हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप लोग। मैं मोमिता और इस चैनल पे हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। हमारा आज का जो सेशन है वो है हाइड्रोस्फीयर। इससे पहले हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ लिया है, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस का जो पार्ट है। आज हम हाइड्रोस्फीयर को जानेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे ये जो वर्ड है हाइड्रोस्फीयर, ये कहाँ से आया है। ये दो ग्रीक वर्ड से आया है। पहला क्या है, जो हाइड्रो पोर्शन है वो ग्रीक वर्ड हाइड्रोस से आया है, और जो ये स्फीयर पोर्शन है वो ग्रीक वर्ड स्फेरा से आया है। यहाँ पे हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और स्फेरा का मतलब होता है स्फीयर। तो ऐसे हम कह सकते हैं हाइड्रोस्फीयर जो है वो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द प्लैनेट है। किसी भी प्लैनेट की टोटल अमाउंट ऑफ जो वाटर होता है, उस टोटल अमाउंट ऑफ वाटर को हम उस प्लैनेट के हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तो ये हो गया हाइड्रोस्फीयर किस वर्ड से आया है, कैसे डिराइव हुआ है वो बातें। अब हम जानेंगे हाइड्रोस्फीयर यानी कि द स्फीयर ऑफ वाटर के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं ये जो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और अगर हम इसे डिफाइन करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इज़ डिसकंटिन्यूअस लेयर ऑफ वाटर एट और नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब अर्थ के पास ऐसा तो कोई बॉटल नहीं है कि उसने कह दिया कि ये बॉटल है, इसके अंदर पूरा पानी भरा हुआ है, और ये जो है बॉटल के ऊपर लेवल कर दिया कि ये मेरा हाइड्रोस्फीयर है। ऐसा अर्थ ने नहीं कहा है। डिसकंटिन्यूअस लेयर का मतलब क्या है कि एक टोटल कंटिन्यूएशन में ये हाइड्रोस्फीयर नहीं है, किसी भी जगह पे किसी भी फॉर्म में ये मिल सकता है, और जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर होगा वो अर्थ का हाइड्रोस्फीयर होगा। जैसे हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे थे, डिफरेंट लेयर्स पढ़ रहे थे, पर एक कंटिन्यूएशन में था, ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर ऐसे। पर हाइड्रोस्फीयर के केसेस में ये नहीं है कि एक कंटिन्यूएशन में है, ये डिसकंटिन्यूअस लेयर है। तो यही कहा जा रहा है कि हाइड्रोस्फीयर को अगर डिफाइन करें तो हम यही कहेंगे कि इट इज़ डिसकंटिन्यूअस लेयर ऑफ वाटर एट और नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। और इसके साथ साथ जो एक सवाल आता है कि अर्थ के कलर ब्लू क्यों है, तो उसमें देखेंगे कि सैटेलाइट इमेज में हमें जो ब्लू कलर मिलता है वो बेसिकली क्योंकि अर्थ में ह्यूज मासेस ऑफ वाटर है, और ये वाटर बॉडी जो है, वैसे तो वाटर कलरलेस ऑर्डरलेस होता है, पर ये वाटर बॉडी इतने ह्यूज अमाउंट में, स्पेशली ओशियंस जो है, इसके वजह से अगर सैटेलाइट इमेजरी देखी जाए तो वहाँ पे ब्लूइश कलर आती है। तो उसी कलर को, इसीलिए अर्थ का जो कलर है ब्लू कलर कहा जाता है। तो ये वाटर बॉडी और ये हाइड्रोस्फीयर है जो अर्थ के कलर को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, तो हम ऐसे कहेंगे कि वाटर स्टोरेज जो एरिया, जितने भी वाटर स्टोरेज एरिया है जो वाटर को होल्ड करता है, वो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। पर अब हमें तो ये पता है कि हाइड्रोस्फीयर जो है वो मेन कंपोनेंट वाटर है, बट इसमें कुछ और क्या नहीं है, है क्योंकि इसके साथ साथ इम्प्योरिटीज़ या फिर एडिशंस है वाटर के साथ साथ, जैसे कि डिजॉल्व मिनरल्स, डिजॉल्व गैसेस, पार्टिकुलेट्स, ये जो चीज़ें हैं वो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। हाइड्रोस्फीयर में जो वाटर है उसमें डिजॉल्व रहता है। अब ये डिजॉल्व मिनरल्स हो या फिर डिजॉल्व गैसेस पार्टिकुलेट्स हो, ये वाटर क्वालिटी को भी डिनोट करता है, तभी वो इम्प्योरिटीज़ है। मतलब जैसे हम बात करें सेडिमेंट्स की, अगर सेडिमेंट्स वाटर में बहुत ज़्यादा हो तो वो वाटर क्वालिटी ख़राब कही जाएगी, और इकोसिस्टम भी ये प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाएगा। पर अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन, जैसे कि डिजॉल्व गैसेस की बात कर रहे हैं ना, तो अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात की जाए तो डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर में अगर लेवल उसका कम हुआ, एक सर्टेन लेवल होती है उससे कम होगा, तो वो वाटर क्वालिटी ख़राब मानी जाएगी। तो सब चीज़ों की ज़रूरत है, अगर ज़्यादा है कम ज़्यादा होने के ऊपर वाटर क्वालिटी डिपेंड करता है, और ये इकोसिस्टम एक हेल्दी इकोसिस्टम डिनोट करने में भी, एक हेल्दी इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करने में भी हेल्प करता है। तो मेन कंपोनेंट तो वाटर है, बट इम्प्योरिटीज़ या फिर एडिशंस, चाहे जो भी कहे, वो चीज़ें वाटर में होती हैं। तो ये गया हमारे हाइड्रोस्फीयर के बारे में एक ओवरव्यू। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि ये जो हाइड्रोस्फीयर है वो क्या एक ही फॉर्म है, क्योंकि हम वाटर की बात करते हैं और जब भी हमारे दिमाग में वाटर की बात आती है तो एक ही फॉर्म आती है सबसे ज़्यादा, वो है लिक्विड वाटर। बट ये हाइड्रोस्फीयर जो है वो लिक्विड वाटर और लिक्विड पोर्शन में ही है, नहीं, ये कितने फॉर्म्स में हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। सॉलिड फॉर्म तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, अगर हम वाटर के सॉलिड फॉर्म देखें तो वो क्या होता है, बर्फ़।
बर्फ यानी कि हम जो ग्लेशियर्स की बात करते हैं, जो सी आइस की बात करते हैं, आइसबर्ग, स्नो, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, तो वो हो जाता है वाटर का सॉलिड फॉर्म। और इस सॉलिड फॉर्म को हम क्रिस्टोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। ये जो ग्लेशियर्स पोर्शन या फिर स्नो पोर्शन जो है, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर का पोर्शन है, ये क्रिस्टोस्फीयर नाम से डिनोटेड होती है। एक अलग ही स्फीयर बनी रहती है इसकी। जो लिक्विड फॉर्म है, ये आप लोगों को पता ही होगा कि जो ओशियंस, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, ये सब है, इन जगहों का वाटर है वो लिक्विड फॉर्म है, जो मेन फॉर्म हम वाटर के बारे में हमें हमारे दिमाग में आता है। और इसके साथ साथ वाटर गैसियस फॉर्म में भी रहता है। कहाँ रहता है? गैसियस फॉर्म में ये वाटर वेपर होता है, वाटर वेपर जो हमें क्लाउड और फॉग के फॉर्म में दिखते हैं, तो वो वाटर वेपर रहता है। अब ये कहाँ जाएगा? जैसे सॉलिड फॉर्म क्रिस्टोस्फीयर में गया, वैसे ही जो वाटर वेपर का पोर्शन है वो जाता है एटमोसफियर का पार्ट में। एटमोसफियर में वाटर वेपर एक परसेंटेज में रहता है। अगर आपको वाटर वेपर के बारे में डिटेल में जानना है तो हमारे जो एटमोसफियर की वीडियोस हैं वहाँ पे देखिए, वहाँ पे वाटर वेपर के बारे में कितने परसेंटेज में है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिटेल में डिस्कस मैंने ऑलरेडी कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पे अलग से नहीं कर रही हूँ, तो वहाँ जाके ज़रूर देख लीजिए। और इस पर मेनली वो आपको शायद लेसन 5 में मिल जाएगी, ठीक है? और आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में आपको मैं वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, ओके? तो ये हो गया हमारा गैसियस फॉर्म जो वाटर में रहता है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, इन तीन फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है, जो हाइड्रोस्फीयर जो है फॉर्म प्रेजेंट है, ठीक है? अब हम देखेंगे, अगर हम हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं तो एक चीज़ आती है, हम ये कह रहे हैं कि ये हाइड्रोस्फीयर अर्थ के कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ह्यूज मास ऑफ वाटर है, तो मतलब हमारे हाइड्रोस्फीयर तो बहुत है, हमारे पास पानी तो बहुत है, इसके मतलब हम कभी भी इसको मिसयूज़ भी कर सकते हैं। पर हम जनरली क्या कहा जाता है कि वाटर वेस्ट मत करो, वाटर क्राइसिस की बात की जाती है। फिर क्यों ये बातें की जाती है? क्योंकि इतने तो वाटर है जो एक कलर को ही रिप्रेजेंट करते, इतने बड़ा अर्थ है इसके कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो बात ये है कि हाइड्रोस्फीयर को हम ऐसा कह सकते हैं दो टाइप्स में, या दो अलग एनवायरमेंट में, या जैसे भी आप कह लो, दो अलग टाइप में ही हम डिवाइड करते हैं। क्या क्या देख लेते हैं। पहले सॉल्टी वाटर बेसिन, पहले आता है सॉल्टी वाटर बेसिन, और दूसरा है, दूसरा हम टाइप ही कहते हैं कि फ्रेश वाटर बेसिन, या फिर जिसको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल वाटर। अब क्यों ऐसा कहा जा रहा है, सॉल्टी वाटर बेसिन में कौन है और फ्रेश वाटर बेसिन में कौन है, और ये क्या चीज़ें हैं? सॉल्टी वाटर बेसिन जो होता है, मतलब वाटर में सॉल्ट है। अब जो सॉल्टी वाटर होगा, अगर वाटर में ज़्यादा सॉल्ट दी जाएगी, आप क्या वो वाटर पी पाओगे? नहीं ना। तो ये जो सॉल्टी वाटर बेसिन है ये नॉन ड्रिंकेबल है, और जो फ्रेश वाटर बेसिन है, जो कंटिनेंटल वाटर्स है, वो आता है हमारे ड्रिंकेबल पार्ट में। और सॉल्टी वाटर बेसिन से आपको समझ में आ ही क्या होगा, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जो सी, ओशन, ये पोर्शन है हमारा, तो वहाँ पे जो वाटर है वो सॉल्टी वाटर बेसिन में है, और सी कितने, वो बहुत सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है, तो वो नॉन ड्रिंकेबल वाटर है जो बहुत ज़्यादा है। पर हमारे पास जो ड्रिंकेबल वाटर है वो कम पोर्शन में है, वो परसेंटेज में हमें समझ में आ जाएगा, वो कम पोर्शन में है, इसी वजह से वाटर क्राइसिस की बात की जाती है। हमारे पास जो ड्रिंकिंग वाटर है वो ज़्यादा नहीं है, वाटर हमारे पास बहुत होंगे। तो वो फ्रेश वाटर की जो बात करते हैं, इसे फर्दर किस तरह से हम डिवाइड करते हैं, फ्रेश वाटर में आते हैं सरफेस वाटर, और फ्रेश वाटर में है ग्लेशियर्स, और उसके साथ है अंडरग्राउंड वाटर। अब इनमें जो ये सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर कौन से आते हैं? जो रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, लगून्स, मार्शेस, ये जो जगह है ये सरफेस वाटर में आते हैं। तो एक सरफेस वाटर ही है जो सबसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल ड्रिंकेबल वाटर है, और ये पोर्शन जो है इसका जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, इसीलिए हमें वाटर प्रिजर्व करने की बात की जाती है, वाटर सेव करने की बात की जाती है, ताकि बाद में हमारे पास वाटर शायद बहुत हो पर ड्रिंकेबल वाटर ना हो, तो ये बात है। और ग्लेशियर्स जो है वो सॉलिड फॉर्म में एक पर्टिकुलर, आपने ये देखा है कि उसे क्रिस्टोस्फीयर नाम ही दिया जा रहा है, एक पर्टिकुलर रीजन ही बताया जा रहा है। तो अभी आप जा पाओगे कि पोलर रीजन में जाके वहाँ से ड्रिंकेबल वाटर अभी के लिए ले आना? नहीं कर पाओगे ना। तो जो ग्लेशियर्स है वो फ्रेश वाटर का पार्ट तो है, पर ड्रिंकेबल भी है, पर इजीली अवेलेबल नहीं है। इसके साथ साथ है अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है? जो हमारे सरफेस के नीचे का पोर्शन है। अब इसको
इजीली अवेलेबल तो इतना हम नहीं कह सकते, फिर भी प्रोसेस के थ्रू, वेल्स के थ्रू हम अंडरग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे यूज़ करते हैं। बट अगर कहा जाए कि सबसे इजीली अवेलेबल वाटर कौन सा है, तो हम ये कहेंगे जो सरफेस वाटर है, यानी कि जो रिवर, लेक्स, ये स्ट्रीम्स, ये पोर्शन है, ये जो है हमारे सबसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल वाटर, ड्रिंकेबल वाटर है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है हमारे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का, हाइड्रोस्फीयर के डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसे आप चाहे दो टाइप में कहो, दो एनवायरनमेंट में कहो, अलग एनवायरनमेंट्स में कहो, जैसे भी डिवाइड करो, तो ये है हाइड्रोस्फीयर का मेन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसी का ही सेम इसी चीज़ का एक परसेंटेज व्यू देख लेते हैं कि क्यों हम कह रहे हैं कम है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ओशियन जो है वो 2% है और हमारे पास रिवर का वाटर तो हम बहुत ज़्यादा है, 80% है, ऐसा भी तो हो सकता है, तो हमारे पास ड्रिंकेबल वाटर बहुत ज़्यादा होगी, पर ऐसा नहीं है। अगर हम परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन देखें, जो सलाइन और ओशियन वाटर है ना, तो वही 97% है, और जो फ्रेश वाटर जो हमारे ड्रिंकेबल वाटर है, जिस वाटर जो वाटर हमें सबसे ज़्यादा चाहिए, वो ओनली 3% है। अब समझ में आया क्यों हम वाटर क्राइसिस की बात कर रहे हैं? तो वो 3% है, उसके भी जैसे हम बात कर रहे थे कि रिवर, स्ट्रीम्स, इन जगहों के वाटर सबसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, तो जो 3% हमारे पास फ्रेश वाटर है, उसमें भी जो आइस कैप्स, ग्लेशियर्स में 69% वाटर जो है आइस कैप्स, ग्लेशियर्स में है, 30% वाटर जो है, 30.1% वाटर ग्राउंड वाटर है, और जो सरफेस वाटर जो इजीली अवेलेबल ड्रिंकेबल वाटर है, वो लेक्स, स्वाम्प्स, रिवर्स है, वो 0.3% है, सबसे कम 0.3% जो हमारे इजीएस्ट अवेलेबल ड्रिंकेबल वाटर है, वो सबसे कम है 0.3%। उसमें आता है लेक्स जो 87%, लेक्स में हमें मिलता है 11%, स्वाम्प्स में, और रिवर है 2%। तो इसीलिए वाटर सेव करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ड्रिंकेबल वाटर जो है हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन था और रिप्रेजेंटेशन था, ये सारी चीज़ें हमारे हाइड्रोस्फीयर के ऊपर। कुछ और बातें देख लेते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में, जैसे अराउंड 326 मिलियन क्यूबिक माइल्स ऑफ वाटर जो हाइड्रोस्फीयर कंटेन करता है, ये पूरा पोर्शन है, और जो टोटल मास ऑफ अर्थ हाइड्रोस्फीयर है, वो अर्थ के टोटल मास के, हाइड्रोस्फीयर का जो टोटल मास अर्थ के टोटल मास के 0.023% है, और ओशियन जो है, जैसे हम बात कर रहे थे, 97% टोटल हाइड्रोस्फीयर के 97% जो है वो ओशियन है, टोटल हाइड्रोस्फीयर के। पर अगर हम अर्थ के टोटल मास की बात करें या टोटल अर्थ एरिया की बात करें, तो अर्थ के सरफेस के 71% जो है वो हाइड्रोस्फीयर में आता है। ठीक है, ये दोनों परसेंटेज अब मिक्स मत कर लेना, दोनों अलग है। हाइड्रोस्फीयर जो टोटल परसेंटेज है उसका 71%, उसका 97% जो है हमारा ओशन में आता है, और जो 71% टोटल अर्थ के पोर्शन का है, वो हमारे हाइड्रोस्फीयर में, ओशन पोर्शन में आता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मिक्स मत करना। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है, जो अर्थ की, सॉरी, ओशन की जो सैलिनिटी की बात की जाती है, जो जहाँ पे हम कह रहे हैं कि सॉल्टी वाटर बेसिन की बात करें, तो उसकी जो सैलिनिटी है वो 3.5% है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं कि सैलिनिटी कितने परसेंटेज है, तो ये 3.5% है। तो ये था कुछ ओवरव्यू हाइड्रोस्फीयर के बारे में, इसके टाइप्स या फिर हाइड्रोस्फीयर के जो बेसिक्स हैं, ये हमने कम्प्लीट कर लिया है। अब वैसे हाइड्रोस्फीयर कंप्लीट पूरा नहीं हुआ है, कुछ जैसे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और थोड़ा और इन्फॉर्मेशन अभी भी बाकी है, तो हम वो नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आपके जैसा क्वेश्चंस रहता है हमारे एंड ऑफ द वीडियो, आज का क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है 2021 की, उसका नाम क्या है, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसका आपको लिंक मिल जाएगी, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप कोई भी क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स पे तो कर सकते हैं, इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे भी कर सकते हैं, वहाँ पे क्विजेस भी होती है, तो वहाँ उसे भी अटेंड कर सकते हैं, या कोई भी आपको नोट्स चाहिए हो वहाँ पे बोल सकते हैं।